हे गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड्स में। फाइनली गुड न्यूज आ चुका है, कहो तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आप कह सकते हो, सबसे बड़ा गुड न्यूज। मुझे पता है बहुत से लोग वेट कर रहे थे इस न्यूज के लिए। तो फाइनली 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 बहरेन ने अपना लॉकडाउन हटा दिया है, फाइनली बहरेन ने अपना लॉकडाउन ओपन कर लिया है। कुछ चेंजेस है, कुछ नए रूल्स आए हैं, तो ये सबसे बड़ा अभी का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। और साथ में ही एक बैड न्यूज़ भी है, मैंने टाइटल में भी कहा एक बैड न्यूज़ है। टेंशन ना ले, इतना भी डेंजर नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बुरा रहेगा जो ट्रैवल करना चाहते हैं। स्पेशली जो हाईलाइटेड जो मेरे कमेंट्स है वो रिगार्डिंग ट्रैवल के ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और अब प्रीवियसली वीडियोस में मैं हाईलाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल्स का ही कर रहा हूँ। उनके लिए बैड न्यूज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए एक क्या कहूँ, कुछ नया नहीं आया है। मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता। गवर्नमेंट ने बैन रिलेटेड रेड लिस्ट न्यू वर्क वीज़ा, वर्क परमिट या विजिटिंग वीज़ा रिलेटेड कुछ भी चेंजेस नहीं किया, वैसा का वैसा सेम है, कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ। बहरेन का गवर्नमेंट अभी यही चाहता है कि जो बहरेन की पॉपुलेशन है, जो लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं, उन्हें कंट्रोल में लाया जाए, कुछ नया वायरस जो नया स्प्रेड हो रहा है उसे कंट्रोल कर सके, इम्प्रूवमेंट चाहता है कुछ केसेस में। इसके लिए बहरेन ने फाइनली जो अपना लॉकडाउन पीरियड है उसे हटा के एक नया रूल, नया रेगुलेशंस पास किया है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ट्रैवल करना चाहते हैं बहरेन के लिए, उनके लिए कुछ बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना ले, आपका भी एक बड़ा न्यूज़ आ रहा है बहुत जल्दी रिलेटेड ट्रैवल। क्योंकि जब बहरेन ने लॉकडाउन हटा ही दिया है तो ऑब्वियसली ट्रैवल में भी कुछ चेंजेस होगा, लेकिन लिमिटेड रहेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि भाई चांसेस है हटेगा हटेगा हटेगा, तो फाइनली लॉकडाउन तो ये भी कहा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होगा, तो वो भी है। वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि आखिर उसे फॉलो कैसे करना है। लेकिन जो मैंने कहा था कि वीडियो मेन जो है वो ट्रैवल है, क्या मेरा फ्लाइट है, क्या मेरा विजिट वीज़ा मैंने अप्लाई किया है, शो कर रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है, क्या मैं न्यू विली वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, गांव का मेडिकल अगर मेरा एक्सपायर हो गया है क्या गवर्नमेंट उस बेसिस पे मुझे एक्सेप्ट करेगा, अगर मैंने विजिट वीज़ा लिया है लॉकडाउन की वजह से मेरा जो फंसा हुआ पैसा क्या वो वापस आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रैवल रिलेटेड ही है एशियन का। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेला सिर्फ इंडिया से आ रहा है, पूरा जितना भी एशियन कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ से हर जगह यही कमेंट्स आ रहा है। मेरा जो व्हाट्सअप चैट है वो फुल हो चुका है, मेरा जो इंस्टाग्राम है उसमें भी डेली मुझे कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं। सॉरी अगेन, मैं कुछ कॉल्स का रिप्लाई लेटली कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कमेंट्स मुझे यूट्यूब पे आ रहा है टाइम दे दे के उसे सबको मैं रिप्लाई किया है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, उसके बाद मुझे लगता है कि जो फॉलोवर्स है उसने अच्छे से उसका जवाब दे दिया है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, या टेंशन ना लें, हेटर्स तो रहेंगे ही, लेकिन आपने जो गाइड किया है, क्योंकि मेरे गाइडनेस की वजह से बहुत लोग जिसके पास विजिट वीज़ा है वो तो बेचारा नहीं आ सके, लेकिन जिसके पास वर्क परमिट वीज़ा था वो आ गए बहरेन में, और राइट नाउ दे आर इन क्वारंटाइन। कुछ लोग हैं जिसका क्वारंटाइन पीरियड की ज़रूरत नहीं था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका फ्लैट था, रेंट का जो डॉक्यूमेंट था, कुछ कंपनीज अकोमोडेशन ने प्रोवाइड किया था। और कुछ क्वेश्चंस मुझे अगेन कंपनी का भी आया है, कुछ पर्सनल भी आया है कि आप कहाँ पर रहते हो और आप अपना नाम शो नहीं करते, एक्चुअली आपका नाम क्या है वगैरह, तो वो सब कमेंट्स में बाद में करूँगा। अभी इस वक्त मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बहरेन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का कैसे आपको फॉलो करना है राइट नाउ, उनके लिए बाद में है, मैं जो जब भी कुछ चेंजेस होगा ट्रैवल का, अभी तो नहीं है, मैं अभी साफली कह रहा हूँ, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो सेम था ट्रैवल पे वही है, लेकिन चेंज होगा बहुत जल्द, उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे पता है वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है। बहरेन जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड है, अगर बहरेन पे ट्रैवलिंग नहीं होगा तो फिर कहाँ पर होगा। बहरेन के ऑलरेडी जो मार्केट लेवल है वो बहुत डाउन है, इसके लिए बहरेन ने ये एक रूल पास किया है, उससे मार्केट लेवल भी बना रहेगा, टूरिस्ट भी आ सकते हैं, ट्रैवल भी स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस भी रहेगा और केसेस भी कम हो जाएगा। तो ऐसा रूल अगर हर कंट्री में फॉलो किया जाए तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी सब टेक्निकल थ्रू ही आता है, रूमर पे भरोसा ना कीजिए। मुझे एक मैसेज आया था कमेंट में कि सर लॉकडाउन तो 10 जुलाई तक बढ़ चुका है, अब मैं क्या करूं, किसी ने कहा 7 जुलाई, लॉकडाउन नहीं बढ़ा, लॉकडाउन बहरेन में परमानेंटली ही बंद कर दिए, अब फ्यूचर में बहरेन लॉकडाउन नहीं करेगा।
एंड जो रेगुलेशन रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए जो बहरीन में आना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो बहरीन में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो वैकेशन जाके वापस आने का प्लान कर रहे हैं, तो उन सब के लिए है जो बहरीन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन सब के लिए न्यूज़ है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि आखिर बहरीन ने चेंजेस क्या किया है, जो अभी जो लॉकडाउन हमेशा के लिए जो स्टॉप कर किया है बहरीन ने वो क्यों किया है। तो बने रहिए, डोंट स्किप द वीडियो। तो दोस्तों, जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, उसके लिए जो लोग बहरीन में रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो जिन्होंने ऑलरेडी वर्क किया है उनके पास बहरीन का नंबर होगा, तो उनको ये एप्लीकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, बी अवेयर एप्लीकेशन। जो नए न्यूली विजिट करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास बहरीन का नंबर चाहिए से रजिस्टर के लिए। लेकिन जो लोग बहरीन में, कुछ कमेंट्स आया था, मैंने एक इमेज अपलोड किया था कि चांसेस है कि नहीं, तो उसमें मुझे कमेंट यही आया था कि अभी हमें पता कैसे चलेगा कि बहरीन में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो उनके लिए, तो मैं कुछ जो मेरे पास न्यूज़ आया है मैं उसे पढ़ूंगा। ये नेशनल मेडिकल टास्क फोर्स है, अगर ये आपको ये न्यूज़ चाहिए तो बी अवर एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसे मैं लिंक में डाल दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक लेवल रेडी किया है, जिस तरह एक हाई लेवल, लो लेवल, हायर लेवल, रेड लेवल, सबसे डेंजर वाला लेवल, जिस तरह जो गेम की एक लेवल होता है, उसी तरह बहरीन में भी कोविड के रिलेटेड एक लेवल्स होगा, जो चार लेवल है। उसमें से सबसे डेंजर जो रेड लिस्ट, तो आपने सुना ही होगा नाम, रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, और उसके बाद ग्रीन है। ग्रीन सबसे बड़ा सेफ जोन है, ग्रीन लेवल अगर रहेगा तो आप बहरीन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस तो आपको फॉलो करना है, तो कोविड का टाइम चल रहा है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो कभी कम होने वाला नहीं है, तो वो कंटिन्यू बना ही रहेगा, लेकिन आपको उसमें कुछ चेंजेस धीरे धीरे मिलेगा, जिस तरह धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट्स होंगे, तो आपको चेंजेस मिलेगा। तो वो चार जो लेवल है, वो चार लेवल मैं आपको एक एक वन बाय करके, जो मेरा स्पॉट में एक एक करके शॉर्ट इमेज डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला लेवल मैं ग्रीन से स्टार्ट करता हूँ। ग्रीन लेवल में ये जो लेवल्स है आपको बी अवर एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। ये लेवल्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बहरीन में जो कोविड केसेस है, एग्जांपल लाइक 100 केसेस है, तो 100 के जो परसेंटेज है, ग्रीन लेवल तब रहेगा जब ओनली 2% केसेस रहेगा। तो अगर 2% जो 7 के अंदर जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया होगा, तो उसका एक कैलकुलेशन करके एक परसेंटेज निकाला जाएगा, 2%। तो भाई इतना पेशेंट ने ऑलरेडी मेडिकल में आ चुके हैं, तो भाई उसमें 2% खाली अफेक्टेड है, हमारे पास ओनली 2% केसेस है, तो उस केसेस पे बेस करके बहरीन में एक एक लेवल बनाया है ग्रीन लेवल। तो वो 2% पे वो रहेगा, आप बहरीन पे कोई भी एरिया में विजिट कर सकते हो, सिनेमास ओपन है, सारे रिटेल शॉप ओपन से, स्कूल्स ओपन है, बीच पार्क सब कुछ ओपन है, लेकिन कुछ रूल्स सेफ्टी के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बहरीन में ग्रीन लेवल है तो आप कोई भी एरिया में बहरीन में विजिट कर सकते हो। और मैं उनके कुछ नाम शॉप्स, जो मुझे बीच में कुछ फ्रेंड्स के मुझे कमेंट आया था, यार क्या मेरा शॉप ओपन रहेगा, क्या ये रूल्स जो भी है वो मेरे शॉप को लागू रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ, शॉप्स जितने भी है जो अगर ग्रीन लेवल रहेगा तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, सारे के सारे शॉप्स ओपन है, बस रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो वो वैक्सीनेशन भी लगा ले। और होल्डिंग प्राइवेट इवेंट इन होम, कुछ कुछ प्राइवेट लाइक पार्टीज वगैरह, कुछ फंक्शंस होते हैं जो घर पे पहले कोविड की वजह से अलाउड नहीं था, वो अलाउड है, आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होता था कंपनी में, वो बैन था, अगर ग्रीन लेवल है तो आप उसमें विजिट कर सकते हो। एंटरिंग गवर्नमेंट सेंटर्स, गवर्नमेंट सेंटर्स में बहुत जगह पे रेस्ट्रिक्शंस था, बैन था, तो वो भी ओपन हो चुका है, लाइक LMRI में क्यू था, LMRI में बहुत कम टाइमिंग था, एम्प्लॉयज बहुत कम थे, सारे के सारे एम्प्लॉयज वहाँ रहेंगे, आप अपना जो भी काम है वो करवा सकते हो। शॉपिंग मॉल्स, कमेंट आया था मुझे बीच में अपने चैनल में, क्या शॉपिंग मॉल ओपन है, अगर ग्रीन लेवल रहेगा तो शॉपिंग मॉल ओपन है, आप कोई भी शॉपिंग मॉल में एंटर कर सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स सेंटर, स्विमिंग पूल, इसका बहुत मुझे कमेंट आया था, गर्मी का टाइम है बहरीन में, अभी बहुत हाईली गर्मी है, जुलाई का टाइम है, जुलाई अगस्त अक्टूबर एंडिंग तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो स्विमिंग पूल ओपन है, ग्रीन लेवल एरिया में आप विजिट कर सकते हो। पब्लिक आउटडोर प्रोवाइड, रेस्टोरेंट एंड कैफे, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया था, रेस्टोरेंट एंड कैफे, क्या हम वहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, अगर ग्रीन लेवल है तो आप बैठ के खाना खा सकते हो,
अगर नहीं है तो आपको पार्सल लेके जाना पड़ेगा, अलाउड नहीं है। तो ये ग्रीन लेवल बार्बर शॉप, सैलून, स्पा, सब कुछ ग्रीन लेवल में टोटली ओपन हो जाएगा। आप बैरन में एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो, पार्टी फंक्शंस एरिया, कैफे, सिनेमास, हर जगह विजिट कर सकते हो अगर ग्रीन लेवल रहा तो। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर ये लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बी अवर एप्लीकेशन जिनके पास है, या तो आप साइट पर विजिट कर सकते हो। एवरी वीक थर्सडे फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये 7 डेज में फिक्स है, 7 दिन में इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, मेडिकल जो भी मेडिकल पेशेंट्स है उसे ऑब्जर्व करने के बाद ही इस लेवल को लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल 2 जुलाई से बहरेन में लॉकडाउन ओपन है, और 2 जुलाई से बहरेन में येलो लेवल है। जो प्रीवियस में जो केसेस आया है उसके हिसाब से इन्होंने फर्स्ट वीक के लिए येलो लेवल रखा है। आप फर्स्ट वीक कहीं पे भी घूम सकते हो, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करना है। और येलो लेवल में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। वर्क पॉलिसी क्या है, हर एक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट का रहेगा उसमें ओनली 50% ही एम्प्लॉइज रहेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, बहुत ज़्यादा केसेस में आप विजिट नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो उनके लिए 50% लोग ही वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो वो एरिया में आप कन्फर्म करके ही जाना। क्या क्या है वो शॉप्स, रिटेल शॉप्स जो भी है जितने भी है वो येलो लेवल में ओपन है, वहाँ पर कोई भी बैन नहीं है। तो अब बहुत जो भी शॉप से छोटे मोटे हैं उनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस बहुत डाउन है, तो उनके उनको भी देखते हुए गवर्नमेंट ने येलो लेवल में उन्हें रखा है। सारे के सारे शॉप्स ओपन है, कोई भी बैन नहीं है उसके अंदर। गवर्नमेंट सेंटर्स भी ओपन रहेंगे, शॉपिंग मॉल ओपन रहेगा, सिनेमास में ओनली 50% अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं ओपन रहेगा। इवेंट कॉन्फ्रेंस ओपन है, कोई भी बैन नहीं है। एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन है, कोई बैन नहीं रहेगा। प्राइवेट इवेंट्स, घर पे आप कोई भी फंक्शंस करना चाहते हो तो उसमें ओनली 30% ही, सॉरी 30 आदमी अलाउड है। बर्थडे हो, फंक्शंस हो, मैरिज का हो, कुछ और फंक्शंस हो, उसमें ओनली 30 आदमी अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट एंड कैफे ओपन है, आप विजिट कर सकते हो। बार्बर शॉप, सैलून, स्पा ओपन है, येलो लेवल में ओपन है, आप विजिट कर सकते हो। स्पोर्टिंग इवेंट्स, एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल, जितना भी येलो लेवल रहेगा तो ये सब बैन खुल जाएगा, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। अगेन आ रहा है और थोड़ा उससे हायर रहेगा, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आएगा, उसमें आप विजिट नहीं कर पाओगे। तो वो क्या क्या है, होम गैदरिंग में ओनली होम फंक्शंस कुछ रहेगा तो ओनली 6 आदमी अलाउड है, अगर ऑरेंज लेवल रहो ना हो, वो मैं ही चाहता हूँ कि ना हो, उतना हाईली ना हो। ये लेवल्स कैसे आते हैं, डिपेंड ऑन द केसेस। जो येलो लेवल है अगर वो 5% से ज़्यादा बहरेन में अगर कोविड का केस हो रहा है तो ही येलो लेवल आएगा, और अभी 5% ही कैसे, भगवान करे उससे आगे ना बढ़े, उतना ही रहे तो लाइफ टाइम आप विजिट कर सकते हो। येलो पे ही बना है, येलो के आगे ना, येलो ग्रीन पे ही रहे केसेस। ऑरेंज लेवल जो केसेस है अगर वो 8% से ज़्यादा बहरेन में अगर कोविड का केसेस हो रहा है तो ही ये येलो लेवल को लॉन्च किया जाएगा, और येलो लेवल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या है, 6 पीपल रहेंगे घर पर। आउटडोर इवेंट्स जो भी है उस पर 50-30 पीपल रहेगा। बार्बर शॉप, सलून शॉप, सर्विस दैट डू नॉट रिक्वायर रिमूविंग द मास्क, मतलब बार्बर शॉप और सलून में ओनली आपको हेयर काटने के अलावा फेस वॉश, बियर्ड शेविंग, ये सब नहीं हो सकता ऑरेंज लेवल में, उन सबको आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो आपको ऑरेंज लेवल में आपका सिर्फ हेयर कटिंग होगा और कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट सेंटर्स ओपन रहेंगे। रेस्टोरेंट एंड कैफे में ओनली 30-50 लोगों को ही एंट्री दिया जाएगा, बाकी सब पे बैन है। और शॉपिंग आउटसाइड, शॉपिंग मॉल में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होगा, बाहर के जो लोकल शॉप्स हैं वो ओपन रहेगा, बाकी सबको बैन कर दिया जाएगा। आउटडोर सिनेमास, मतलब जो इंटरनल सिनेमास से अंदर जाके विजिट करने का, उसको बैन है। आउटडोर में कुछ लाइक टीवी होता है, कुछ लाइक कुछ क्या कुछ वीडियो शूट्स वगैरह जो भी है वो सब ओपन रहेगा, आप उसमें विजिट कर सकते हो। लाइक मैंने कुछ एरियाज में देखा है बहरेन में जहाँ पर कार्क में बैठ के लोग वॉच करते हैं आउटसाइड में, वो सब ओपन रहेगा। पब्लिक अटेंडेंस स्पोर्ट इवेंट एरिया बहुत कम होगा, उसमें ऑल आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होगा, चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज ज़्यादा जो भी पीपल्स हो विजिट कर सकें। सबसे डेंजर, सबसे खतरा है रेड लेवल, जिस तरह रेड लिस्ट पैन है उसी तरह बहरेन में अगर रेड लेवल रहेगा तो इसमें क्या क्या है। इसमें लिखा है अगर मोर देन 10 per 3 days एक्टिव केसेस 8% और मोर, अगर 8 या 10 से ज़्यादा % होता है बहरेन में तो रेड लेवल को लॉन्च किया जाएगा, आपको रेड लेवल फॉलो करना है। उसके रूल्स क्या क्या है, सबसे डेंजर रहेगा रेड लेवल, सबको पता है यार सब कुछ बंद हो जाएगा, आप विजिट नहीं कर पाओगे। तो वो क्या क्या है,
शॉपिंग मॉल्स, सलून, स्पा, इवेंट, सिनेमास, रेस्टोरेंट, ऑडियंस, स्पोर्ट्स, होल्डिंग और शॉप आउटसाइड, अप्लाइंग 70% होम फ्रॉम गवर्नमेंट एरियाज, लिमिटेड शॉप रेस्टोरेंट सर्विस टू एक्सटर्नल, मतलब जो भी कैफे वगैरह रहेगा, फूड वगैरह रहेगा, वो आपको डिलीवरी ही मिलेगा। तो भाई टोटली बैन हो जाएगा अगर रेड लेवल रहेगा, सैलून्स, रिटेल शॉप्स, जितना भी शॉप्स रहेगा, एक्सेप्ट मेडिकल शॉप्स और जो नॉर्मल शॉप्स जो पहले भी लॉकडाउन में खुले हुए थे उनको छोड़ के, उन सब पे ये सब लागू नहीं होता। लेकिन अगर रेड लेवल होगा तो जो भी लॉकडाउन में बंद था वो कुछ परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो रेड लेवल ना हो, यही मैं प्रे करता हूँ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि बहरेन का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हाँ यार, ट्रैवल के लिए आपने कुछ तो कहा ही नहीं अभी तक, क्योंकि ट्रैवल में कुछ चेंजेस तो है ही नहीं। मैं कैसे, थोड़ा वेट कीजिए। अगर बहरेन ने इतना कुछ चेंजेस किया है तो ऑब्वियसली ट्रैवल पे भी चेंजेस होगा और बहुत जल्दी आपको इसका गुड न्यूज़ मिलेगा। अभी के लिए बस दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, टाइम नहीं है आज मुझे कॉमेंट्स का आंसर्स करने का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉमेंट्स करूँ, जो भी कॉमेंट्स है उसके आंसर्स करूँगा। सिर्फ जो लोग, जिन लोगों के पास वर्क परमिट हो तो ऑलरेडी उनका ट्रैवल हो चुका है। कमेंट्स आया था फ्लाइट नहीं हो रहा, फ्लाइट है। आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं एजेंसीज का नंबर दे दूंगा, या तो ट्रैवल एजेंसीज में आप डायरेक्ट जाके बुक कर सकते हो। और विजिट वीज़ा बैन है, वर्क वीज़ा जिसके पास ऑलरेडी है वो विजिट कर सकता है, जो जिसका ऑलरेडी पेंडिंग है प्रोसेसिंग में बता रहा, जिसका सस्पेंड नहीं हुआ उसके चांसेस है। तो दोस्तों बस अभी के लिए बस एक छोटा सा वीडियो था, होप एंजॉयबल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।